नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपकी चैनल एड वैल्यू टू लाइव्स में। और आज हम बात कर रहे हैं इस बुक की, हु मूव माई चीज, या मेरी चीज किसने हटाई। इसको लिखा है डॉक्टर स्पेंसन जॉनसन ने, और ये किताब एक छोटी सी किताब है, बहुत प्यारी सी स्टोरी है इसमें, बट इसमें गजब का मैसेज है, दिमाग को हिला देने वाला मैसेज है डॉक्टर साहब ने लिखा है। और डॉक्टर साहब ने दूसरी भी इस तरीके की छोटी बहुत छोटी सी बुक्स लिखी हैं, वन मिनट मैनेजर और कई बहुत बहुत फेमस हैं, बेस्ट सेलर्स हैं ये। अब स्टोरी शुरू करने के पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि इस वीडियो को आप लास्ट तक सुने, जो मैसेजेस हैं वो मैं एक एक करके बताने वाला हूँ। और आप इस वीडियो को लाइक करें, आप कमेंट्स छोड़ें कि भाई स्टोरी में आपको क्या अच्छा लगा, इस वीडियो में क्या अच्छा लगा या क्या अच्छा नहीं लगा, और किस चीज़ के ऊपर, किस एस्पेक्ट के ऊपर मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, करना चाहिए मुझे। और इसके अलावा अगर आप कोई और बुक जिसका रिव्यू चाहते हो, जिसका जिसके बारे में जानना चाहते हो, कमेंट्स में आप लिखें तो मैं उस बुक के बारे में पढ़ूँ, उस बुक को पढ़ूँ और फिर उसको मैं आपसे शेयर करूँ। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें यदि आप पहली बार आए हैं, और इस चैनल को, इस वीडियो को अपने जो नियर एंड डियर वंस हैं, फ्रेंड्स हैं, उनसे आप शेयर करें। मेरा एक ही इसमें ऑब्जेक्टिव है कि मैं इस तरीके के मोटिवेशनल वीडियोस जो हैं वो ले आऊं और अपने आसपास एक ऐसी कम्युनिटी बनाऊं जहां पे मोटिवेशन लेवल जो हम सबका है वो निरंतर बढ़ता रहे और फैलता रहे। हम दूसरे भी लोगों में ये चेतना थोड़ी बहुत जगाएं कि भाई लाइफ में हम जहां पे हैं उससे हमें कहीं आगे बढ़ना है। हर एक की क्षमता, हर एक की तैयारी, हर एक की कैपेबिलिटी अलग अलग होती है और हमने आगे बढ़ना है। तो चलो हम स्टोरी शुरू करते हैं। अब स्पेंसर साहब ने इसका जो बैकग्राउंड दिया है कि एक भूल भुलैया है, एक मेज है, और ये भूल भुलैया रिप्रेजेंट करती है लाइफ को, जीवन को। अब जीवन के कई पार्ट होते हैं, नौकरी हो गई, काम धंधा हो गया, फैमिली हो गया, सोशल सर्कल हो गया, हम जहाँ रहते हैं, जिस जगह पर रहते हैं उसके इर्द गिर्द का जो वातावरण हो गया, तो ये सारा ही मेल मिलाप करके एक लाइफ की अलग अलग पार्ट हैं। और भूल भुलैया है, हम इस भूल भुलैया में निरंतर रोज सुबह उठ कर के तैयार होकर के निकलते हैं, जाते हैं, काम करते हैं, मिलते हैं लोगों से, लोग हमको मिलते हैं, और हम चीज़ों को लेते हैं, छोड़ते हैं, देते हैं, बेचते हैं, पास ऑन करते हैं। तो ये सारा मिला के एक 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 भूल भुलैया है जिसमें हम चल रहे हैं, भटक रहे हैं और रास्ते ढूंढ रहे हैं। अब दूसरा जो एस्पेक्ट उन्होंने बताया वो है चीज। चीज माने ये कि चीज लिटरल चीज हो गया, पैसे हो गए, संबंध हो गए, खुशियां हो गई, एक स्वस्थ शरीर हो गया, एक संतुलित मानसिकता या विचार सरणी हो गई, पैसे हो गए, पोजीशन हो गई, कंपनी की ग्रोथ हो गई, ये जो एक एक जो चाहत है, जो एक अपेक्षा है, ये जो एस्पिरेशन है, इसको बोलते हैं। और ये चीज जब हम जन्म लेते हैं और जब हम मरते हैं, इसके बीच में बहुत सी चीज़ें हमारे पास होती हैं, बहुत सी चीज़ों के पीछे हम भागते हैं। तो जो चीज़ हमारे पास है या जिसके पीछे हम भागते हैं, जो अचीव करना चाहते हैं, जो हासिल करना चाहते हैं, ये चेंज होती रहती है जैसे जैसे एज बढ़ती है, जैसे जैसे स्टेज बढ़ता है लाइफ का। फिर दो कैरेक्टर, दो चूहे हैं, जो एक का नाम है स्निफ, दूसरे का नाम है स्करी। और दो छोटे मनुष्य हैं जो चूहों की साइज के जितने मनुष्य हैं, एक का नाम है हॉ और दूसरे का नाम है हैम। और चार जो कैरेक्टर लिए हैं स्पेंसर साहब ने, उन कैरेक्टर के माध्यम से उन्होंने विचारधारा या एक मानसिकता को दर्शाया है इस स्टोरी में। अब स्निफ जो है वो चीजों को सूंघ लेता है, सूंघता है, वो हमेशा सूंघते रहता है जो उसे चाहिए होता है। मुझे क्या चाहिए, तो वो उसके जो एंटेना है, उसके जो रडार है, वो हमेशा सूंघते रहता है कि मुझे क्या चाहिए, कहाँ से चाहिए, कैसे चाहिए। स्करी जो उसका खास फ्रेंड है, वो उसका भी स्कैनर जो है वो चलते रहता है, वो भी सूंघते रहता है, बट उसमें एक चेतना है, उसमें एक स्फूर्ति है, और वो स्करी और उसकी एकदम अच्छी जोड़ी है, और दोनों
क्यों जी दिशा है, जो सोच है वो थोड़ी सी एक जैसी है, और ये दोनों चूहे हैं और हमेशा सतर्क रहते हैं, हमेशा ये चौकन्ने रहते हैं, हमेशा इनकी जो नज़र है, जो सोच है, जो कान है, वो खड़े रहते हैं, वो देखते रहते हैं कि भाई आसपास में क्या हो रहा है और हमें जो चाहिए वो कहाँ है, कैसे मिलेगा। अब इसके सामने ये जो दूसरे जो छोटे मनुष्य हैं हॉ और हेम, ये भी कुछ हद तक थोड़ी सी स्फूर्ति रखते हैं, थोड़ा सा एक लाइफ में आगे बढ़ने की एक चेष्टा करते हैं, ध्यान रखते हैं, पर जो चूहे हैं उनके कंपेयर में ये थोड़े से ठंडे हैं या सुस्त हैं। मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है, इस तरीके से। अब ये कैरेक्टर और ये स्थिति परिस्थिति की बात हो गई। अब जो स्टोरी है उसमें ये होता है कि स्निफ और स्करी चीज ढूंढते रहते हैं, हैम और हॉबी चीज ढूंढते रहते हैं। अब इनको एक जगह पे चीज मिलती है, लिटरल चीज मिलती है, और बहुत सारी चीज मिलती है, बहुत सारी चीज मिलती है। अब स्निफ और स्करी जो है, जैसे मैंने कहा, उनमें एक चेतना है, उनका एंटेना चलते रहता है, तो वो अपनी स्फूर्ति से वो जो चीज है रोज थोड़ा थोड़ा खाते हैं और रोज देखते हैं, ध्यान धरते हैं कि भाई अगर हम ये चीज खा रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं खत्म हो रही है। और इसके सामने हो और हेम जो है वो चीज को देखते हैं, उनको लगता है कि बस हमको जीवन भर की चीज जो है वो मिल गई है और हम अपना जो रोज का जो जीना है वो इस चीज के आसपास कर लेते हैं और अब ये चीज हम जीवन भर बैठ बैठ के खाएंगे, ये चीज खत्म नहीं होगी। अब एक समय ऐसा आया कि भाई चीज खत्म होने आई या खत्म हो गई, क्योंकि स्निफ और स्करी मेंटली रेडी थे कि भाई, और देख भी रहे थे कि भाई चीज जो है वो खत्म हो रही है, तो उनके दिमाग में ये जो परिवर्तन है, ये जो चेंज है, ये ऑलरेडी चल रहा था, शुरू से चल रहा था। तो जैसे ही चीज खत्म हुई, उनको पता था कि अब हमें यहाँ पे नहीं बैठना चाहिए, हमें नई चीज ढूंढनी चाहिए, तो वो दोनों तैयार होकर के अपना दूसरी चीज ढूंढने निकल गए। अब इसके सामने हॉ और हेम जो है वो, जैसे चीज खत्म हो गई, इनको बहुत बड़ा धक्का लगा कि भाई ये चीज अभी तो थी, अभी कैसे चली गई, अभी क्यों नहीं है, किसी ने हमारे साथ धोखा किया। अब ये मानने को ही तैयार नहीं थे कि भाई चीज खा पी के खत्म हो गई, अब नई चीज यहाँ पे नहीं आएगी या नहीं उगेगी या नहीं पैदा होगी, खत्म है कहानी। तो वो मानने ही तैयार नहीं थे। अब हुआ ये कि दोनों में से एक बंदा जो है वो अड़ गया, कि वो कहता है कि भाई मुझे तो ये जो चीज है वैसी ही चाहिए, मुझे बस और कुछ नहीं चाहिए, मैं ये चीज यही इंतजार करूंगा और यहाँ पे चीज आएगी, किसी ने मेरे साथ धोखा किया वो अपना सही कर ले, मुझे चीज मिलनी चाहिए। जो दूसरा बंदा था वो कहता, नहीं भाई ऐसे नहीं है, चीज तो अब देख स्निफर्स करी भी नहीं है, वो भी निकल गए ढूंढने, हमें भी जाना चाहिए। नहीं, बंदा अड़ गया अपनी बात पे कि मैं, मुझे नहीं जाना, मैं तो यहीं रहूंगा। क्योंकि वो दोनों दोस्त थे, तो फिर दूसरा बंदा भी कहता, चल ठीक है मैं तेरे साथ रह लेता हूँ, देखते हैं क्या निकलता है। फिर वो अपनी, तब जाकर के जब खत्म हो गया और एक तरफ खाना भी नहीं मिल रहा है, अब वो काम करने लगे, जमीन खोदने लगे कि भाई शायद अंदर किसी ने छुपा दी हो, अंदर से कहीं मिल जाए, पर वो जो व्यर्थ था, वो मेहनत जो करनी थी वो व्यर्थ थी। फिर कुछ समय बाद दोनों में से एक बंदा जो है वो समझ गया कि यहाँ पे होना धोना है नहीं, मैं भी निकल जाता हूँ यहाँ से और ढूंढता हूँ चीज। तो उसने लास्ट बार अपने दूसरे बंदे को कहा कि भाई तू भी चल, मैं तो जा रहा हूँ दूसरी जगह पे, चीज ढूंढते हैं। तो वो वाला बंदा अड़ा हुआ था कि भाई मुझे तो जाना ही नहीं, मैं तो यहीं रुकूंगा, मेरी चीज मुझे यहीं मिलेगी, मैंने आगे जाना नहीं है, तेरे जाना है तू जा। तो दूसरा जो बंदा है वो फिर धीरे धीरे बाहर निकलता गया, और जैसे बाहर निकलता गया उसको नए रास्ते, क्योंकि देखा नहीं था, सोचा नहीं था, तो नए रास्तों में बहुत अड़चन आ रही थी, तकलीफ हो रही थी, खाना खाया नहीं था कितने दिनों से, तो तबीयत नरम हो रही थी, इस तरीके से कहीं जाकर के एक जगह पे उसको थोड़ी सी चीज मिली, तो उसको थोड़ी सी चीज मिली तो उसको कहीं एक अच्छा लगा कि भाई चलो काफी दिनों बाद मुझे ये चीज मिली है तो मैं थोड़ा सा खा लेता हूँ। अब खाने के पहले उसने उस मित्र को उस याद किया कि अगर वो मेरे साथ यहाँ पे होता तो बेचारा वो भी थोड़ी बहुत चीज खाता, पर चलो कोई नहीं, मैं चीज खाता हूँ। और उसने वहां पे दीवार पे लिखा था ताकि पीछे अगर बंदा आता है तो वो उसे पढ़े और उसको लगे कि भाई वो सही रास्ता है, रास्ता भटका नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो जो बंदा आगे बाहर निकला था
वो एक और नए बड़े चीज की जगह पे पहुंचा जहाँ पे बहुत 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 चीज थी जो पहले की जगह में जितनी चीज थी उससे कहीं ज्यादा थी। और एक खुशी की बात ये हुई कि उसको वहां पे वो जो दो चूहे थे स्निफ्स करी वो भी मिले, तो उसको ये सही लगा कि चलो मेरे ये दोस्त यहाँ पे हैं तो मैं सही जगह पे आया हूँ। तब भी उसने जो दूसरा बंदा पीछे छूट गया उसको याद रखा, उसको याद किया कि काश अगर ये मेरा दोस्त जो है वो मेरे साथ होता तो मुझे अच्छा लगता, मुझे हम फिर से एक साथ हो जाते। अब ये स्टोरी है जो स्पेंसर साहब ने लिखी है। अब इसके जो सार हैं, इसकी जो जो एक मैसेज है, मैसेज ये है कि आप को चेंज जो है, बदलाव जो है, परिवर्तन जो है वो आपके बाहर, आपके कंट्रोल के बाहर चल रहा है, निरंतर चल रहा है। आप चाहो नहीं चाहो, सोचो नहीं सोचो, समझो नहीं समझो, उस पे काम करो या ना करो, बाहर आपकी जो बाहर दुनिया है उसमें परिवर्तन हो रहा है जो आपके कंट्रोल के बाहर है। तो पहले तो आपको चेंज जो है वो हो रहा है ये समझ आ जाना चाहिए, उस चीज को आपने देखना चाहिए, या अगर कोई दिखा रहा है आपको तो आपने अपना दिमाग, अपना मन, अपनी बुद्धि को खुला रख करके देखना है कि भाई हाँ बदलाव हो रहा है, चेंज हो रहा है, उस चीज को आपने ओपन हार्टेडली खुले दिल से एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। दूसरा, ये जो चेंज है जो दिख रहा है या कोई बता रहा है वो तो आपको देखना ही देखना है, इसके आगे और परिवर्तन होगा और परिवर्तन आएगा, परिवर्तन की स्पीड, परिवर्तन की दिशा, परिवर्तन का जो झुकाव है या जो एक भाव है वो आएगा या वो क्या होगा ये आपने एंटिसिपेट करना है, ये आपने देखना है, ये आपने सोचना है। एक तो आज जो प्रेजेंट में चेंज हो रहा है वो एक्सेप्ट करो, और दूसरा फ्यूचर में चेंज आएगा उसको भी आप एक्सेप्ट करो या एक सोच करके चलो कि हाँ भाई चेंज आएगा। अब ये क्यों जरूरी है, ये इसके लिए जरूरी है कि आप स्निफ और स्करी के जैसे तैयार रहो मेंटली कि भाई चेंज होगा, मुझे एक जगह पे नहीं बैठना है, मुझे बदलाव के साथ में अपने आप को जोड़ना है। तीसरा, ये जो चेंज आ रहे हैं जो आप देख रहे हो या जो सोच रहे हो, जो फ्यूचर को एक्सपेक्टेशंस कर रहे हो, उसको आप प्रॉपरली मॉनिटर भी करो, उसको आप ऑब्जर्व भी करो, उस पर आप ध्यान भी धरो कि भाई हाँ मुझे ये बदलाव दिख रहे हैं, मुझे ये चेंज दिख रहे हैं, मैं ये चेंज जो है मेरे सोच के अनुकूल हैं, विपरीत हैं, ज़्यादा हैं, कम हैं, स्लो हैं, फास्ट है, इसको आपको मॉनिटर करना है कॉन्स्टेंटली। ये समझ के चलो कि चेंज जो है ये जीवन का एक अहम अंग है, एकदम इम्पोर्टेंट पार्ट है, और इसको आप, मैं या कोई भी नॉर्मल कॉमन सेंसिकल मनुष्य जो है, बंदा जो है वो इग्नोर नहीं कर सकता, उसकी उपेक्षा नहीं कर सकता, उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकता। उसके बाद हम चलते हैं Adapt to change quickly। अब जैसे जैसे बदलाव आ रहा है तो उस बदलाव को आप accept, adapt करो। Adapt का मतलब यह है कि आप भी उसके साथ में adjust हो जाओ। अब एक example यहाँ पे मैं देता हूँ कि एक जमाने में जो typewriter का चलन था, हाथ की लिखाई के बाद टाइपराइटर आया, टाइपराइटर के बाद इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर आया, उसके बाद कंप्यूटर आया, कंप्यूटर के बाद लैपटॉप आया, लैपटॉप के बाद मोबाइल फोन और टैबलेट्स आए, और पहले चिट्ठी पेपर के माध्यम से लिखी जाती थी, आज वो ईमेल और मैसेजेस के माध्यम से लिखी जाती है। तो अगर आप कहो कि मैं ना मोबाइल बसाऊंगा, ना कंप्यूटर बसाऊंगा, ना मैं लैपटॉप या कुछ बसाऊंगा, मैं तो आज भी हाथ से काम करूंगा, तो ज़माना जो है वो आज कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से इतना आगे बढ़ गया है और इतने फास्ट तरीके से आगे बढ़ रहा है कि आप अगर इस चीज़ों को अडॉप्ट नहीं करोगे तो आप पीछे रह जाओगे कि भाई दुनिया में चल क्या रहा है। लोग एक आगे के लेवल की बात करेंगे और वो आपको समझ भी नहीं आएगी अगर आपने अपने आप को उस चेंज, उस स्पीड के साथ में नहीं रखा। आप स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हो, बट आपको चेंज के साथ में जीना है, चेंज के साथ में रहना है, और आप अपने आप को अंदर से बाहर से भी आपको चेंज करना है, मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली।
उसके बाद ये जो चेंज की बात करेगा, आपको चेंज होना है। अब ये चेंज होना है, ये आप अपने मर्जी से अपने मन के मुताबिक भी कर सकते हो, जबरन भी कर सकते हो, बहुत दुख के साथ पीड़ा के साथ भी कर सकते हो, मर्जी आपकी है। पर अगर आप खुला मन रख करके अपने आप को चेंज के प्रोसेस में से पास करोगे, चेंज के प्रोसेस का पार्ट बनोगे, तो आपको मजा भी आएगा। जैसे फिर मैं वो एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप आज मोबाइल यूज करोगे तो मोबाइल के फंक्शंस हैं, फीचर्स हैं, बात करने का एक एक सुविधा है, मैसेजेस करने की सुविधा है, कनेक्शंस में रहने की सुविधा है, ये एक सुविधा है। अब नहीं करोगे तो आपके मित्र हैं, आपके परिवारजन हैं जो आपसे दूर हैं या आप उनसे दूर हो, आप कैसे कनेक्शन करोगे? उनको पता ही नहीं चलेगा आप क्या कर रहे हो, आपको पता नहीं चलेगा वो क्या कर रहे हैं जब तक चिट्ठी ना मिल जाए। और एक चिट्ठी को कम से कम 3 या 5 दिन लगते हैं एक जगह से दूसरे जगह पहुंचने के लिए, बट अगर आप मैसेज करोगे तो मैसेज कुछ सेकंडों में पहुंच जाता है। तो फिर आप जीवन में साथ में सब मिल करके आगे बढ़ रहे हो। तो इस चेंज का, इस परिवर्तन का, इस परिवर्तन भरे जीवन के प्रवाह का आप एक पार्ट बनिए, हिस्सा बनिए। आप भी चेंज हुई है और लोगों को भी आप एक उत्साह दीजिए कि भाई परिवर्तन ही जीवन है, परिवर्तन के साथ में ही जीवन का भाव आगे बढ़ाना है। और अगर आपने परिवर्तन नहीं किया, जीवन में चेंज नहीं लाया, तो आप पीछे रह जाओगे और दुनिया आगे निकलती जाएगी, कोई रोक नहीं सकता इस चीज को। तो जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो परिवार और परिवर्तन का आप एक्सेप्ट कीजिए और इस चेंज को, इस परिवर्तन को, इस बदलाव को आप एंजॉय भी कीजिए, क्योंकि जितना आप एंजॉय करोगे उतना परिवर्तन की जो आउटपुट है, जो रिजल्ट है, वो बहुत 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 अच्छी आएगी। तो इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, थैंक यू करता हूँ, और फिर मैं एक बार रिक्वेस्ट करूँगा, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरा अगला वीडियो जब मैं डालूँ तो वो आप तक पहुँच जाए। और इसमें आप कमेंट में लिखें कौन सी बात आपको अच्छी लगी, नहीं लगी, और मैं कहाँ इम्प्रूव करूँ। और ऐसी कोई बुक है अगर आपके मन में और जो आपने नहीं पढ़ी पर आप सोच रहे हो मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं, और पढ़ने के पहले अगर मुझे कोई बता दे तो फिर आप इस कमेंट में लिखें नीचे, मैं उस बुक के बारे में अवश्य अवश्य उसका रिव्यू या उसका स्नैपशॉट आप तक ले आऊँगा। यही मेरा काम है, यही मेरी एक लाइकिंग है कि मैं लोगों से कुछ शेयर करूँ जो उनके लाइफ में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ले आए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, शुभ मंगल कामना।